गीत गोविंद संस्कृत साहित्य के सरसतम कवि जयदेव की मधुरतम काव्य रचना। आज से लगभग 800 वर्ष पूर्व रचा गया यह गीत काव्य भक्ति और श्रृंगार के सुरीले समन्वय का अनुपम उदाहरण है। गीत गोविंद की एक एक गीतिका, एक एक पद सदियों से भक्तों, रसिकों और रचनाकारों के मन को भाव विभोर करता आ रहा है। साहित्य, संगीत, नृत्य, चित्रकला हमारी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का शायद ही कोई माध्यम होगा जिसे गीत गोविंद की संगीतात्मकता ने झंकृत न किया हो। मैथिल कोकिल विद्यापति से लेकर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर तक की रचनाएं जयदेव की ऋणी है। रस, राग और रंग की इस त्रिवेणी का जादू हर नए युग के साथ बढ़ता ही गया है। बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन की सभा के सम्मानित कवि जयदेव और उनके गीत गोविंद को लेकर कई कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है वो अपनी पत्नी पद्मावती के अनिंद्य सौंदर्य में ही राधा की छवि निहारा करते थे। पत्नी के अलौकिक प्रेम में आकंठ डूबी हुई जयदेव की अटूट कृष्ण भक्ति ही गीत गोविंद का आधार है। श्री कृष्ण के साथ जयदेव के तादात्म्य के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि कई बार जयदेव के लिखे अधूरे पदों को स्वयं श्री कृष्ण आकर पूरा किया करते थे। गीत गोविंद से जुड़ी ये कथाएं इस उत्कृष्ट गीतिकाव्य के अलौकिक महत्व को रेखांकित करती हैं। गीत गोविंद में महाकवि जयदेव ने राधा और कृष्ण के मान मनवल के छोटे से घटना सूत्र के आधार पर 24 चमत्कारिक गीतियां लिखी हैं। राधा और कृष्ण के माध्यम से संयोग और वियोग श्रृंगार के अंतरंग चित्र अंकित करने वाली यह काव्य रचना संस्कृत ही नहीं समूचे विश्व साहित्य की अमर उपलब्धि है। चिरंतन प्रेम के चरम क्षणों में बहुत गहरे डूबकर भी महाकवि जयदेव अपने आराध्य कृष्ण की विविध रूपों में वंदना करते हुए ही दिखाई देते हैं। प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम्। प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम्। विहित
वहित्र चरित्र मखेदम विहित वहित्र चरित्र मखेदम केशव धृतमीन शरीर केशव धृतमीन शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। अलग अलग अवसरों पर अलग अलग रूपों में अवतरित होकर कृष्ण हमारे संताप को हरने वाले हैं। शीती राती विपुला तरे तब तिष्ठति पृष्ठे धारणी धारण किरण चक्र गरिष्ठे केशव धृतक केशव धृतकच्छप रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरे नखमद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम केशव धृत नर हरि रूप केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे। कभी मत्स्य तो कभी कच्छप, कभी वामन तो कभी नर हरि, लीलाधर कृष्ण के ये विविध रूप हमारी व्यथा को शांत करने वाले हैं। केशव धृतवामन रूप जय जगदीश जय जगदीश हरे जगदीश हरे। किंतु आज तो लीलाधर श्री कृष्ण के इस रसिक रूप की शोभा कुछ और ही है। कोमल मलय समीर के सुगंधित झोंकों पर झूमते हुए, रमणियों से घिरे हुए रासुरासेश्वर आह्लादित होकर नृत्य कर रहे हैं। Thank you.
संत के इस महारास में राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही। राधा के बिना श्री कृष्ण का रास ये कैसे संभव? राधा की अंतरंग सखी मंजरी भी आकुल व्याकुल होकर उसे ही ढूंढती सी दिखाई दे रही है। मदन महीपति कनक दंड रुचि केसर कुसुम विकासे मिलित शिली मुख पाटली पटल कृत स्मर तूण विलासे विहरति हरिह सरस वसन्ते नीचति युवति जनेन समंसति विरही जनस्य दुरंते ललित लवंग ललित लवंग।
राधा? कौन? मंजरी? यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही है? नदी किनारे अकेले बैठकर कोई क्या करता है भला? पहेलियां मत बुझा, सच सच बता बात क्या है? कुछ भी तो नहीं, बस लहरें गिन रही हूँ। लहरें गिन रही है? तू जानती तो है। मैं तो वो भी जानती हूँ जो तू नहीं जानती। क्या जानती है तू? यही कि जिस रास बिहारी की तू यहाँ प्रतीक्षा कर रही है वो कहीं और रास रचा रहा है। क्या? सच? मैं अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ। नहीं मंजरी, ये नहीं हो सकता। विश्वास ना हो तो चलकर देख ले। उधर यमुना के किनारे वसंत उत्सव का उन्माद छाया हुआ है। पीत वसंत से शोभित चंदन चर्चित शाम ब्रज बालाओं के साथ विलास कर रही है। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वन माली केली चलन मणि कुंडल मंडित गंड युग स्मित शाली हरि हमुग्धवधूल करे विलासिनी विलसती केली परे चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वन माली। तेरी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर काम मोहिता और रूप गर्विता गोपियां श्री कृष्ण के सामिप्य के सौभाग्य को सहेज रही हैं। काचिद उदंचित पंचम रागम हरिहमुग्धवधूलि करे विलासिनी विलसति केली परे चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वन माली। केशव के भुज बंधनों में बंधने के लिए आकुल हैं। केली कला में निपुण कोई सखी उन्हें एकांत में ले जाने के लिए अपनी ओर खींच रही है तो कोई उनके कानों में कुछ कहने के बहाने उनके पुलक कपोलों का चुंबन कर रही है। ध्यायति मुग्धवधूरधिकं मधुसूदन वदन सरोजम् हरिरिह मुग्धवधूनि करे विलासिनी विलसति केली परे चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वन माली। और श्री कृष्ण वो तो रासेश्वर हैं ही, किसी को भुजाओं में भर रहे हैं तो किसी के वसन खींच रहे हैं, किसी के अधरों का पान कर रहे हैं तो किसी को स्पर्श मात्र से बेसुध बना रहे हैं। चारु चुचुम्बनितं भवति दयन्ति पुलकैरनुकूले हरिरिह मुग्धवधूनि करे विलासिनी विलसति केलि परे चंदन चर्चित नील कलेवर
पीत वसन वन माली खेली चलन मणि कुंडल मंडित गंड युग स्मित शाली हरि हमुग्धव धूनि करे विलासिनी विलसती केली परे चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वन माली पीत वसन वन माली पीत वसन वन माली। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हुआ ऐसा ही है राधा। नहीं कृष्ण मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कभी नहीं कर सकते। कृष्ण तो कन्हैया हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनकी बातों में ना आना। ऐसा मत बोल मंजरी, कृष्ण का नाम उनकी बातें उनका ध्यान यही तो मेरा जीवन है। उनके साथ जिए गए आनंद के चरम क्षण, उनके विरह में स्मरण की संजीवनी है मेरे लिए। रासे हरि मिहा विहित विलासम रासे हरि मिहा विहित विलासम स्मरति मनोमम कृत परिहासम स्मरति मनोमम कृत परिहासम रासे हरि मिहा विहित विलासम रासे हरि मिहा विहित विलासम। उनके साथ किया गया रास विलास बांसुरी की मधुर स्वर लहरी की तरह सदा मेरी स्मृति में गूंजता रहता है। चंद्रक चारु मयूर शिखंडक मंडल वलयित केशम प्रचुर पुरंदर धनु पंखों से सजे सुकुमार केश चुंबन रस के लिए लालायत मुस्कुराते मीठी होंठ आलिंगन के लिए आकुल भुजाएं उस मोहिनी छवि का आनंद मैं कैसे भूल सकती हूँ। विपुल पुलक भुज पल्लव वलयित वल्लव पानी के दर्पण में चंद्रमा के समान चमकने वाला ललाट पर शोभायमान वो चंदन तिलक कानों में झिलमिलाती वो मनोहर कुंडल सजीले पीले वस्त्रों से सुशोभित उस मोहक मूर्ति का ध्यान ही तो मेरा सब कुछ है मंजरी।